हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। यूट्यूब में चैनल हैदराबादी रेसिपी बाय फरहाद। आज मैं मुहर्रम 9 तारीख है, देखिए मैं क्या बना रही। आप लोग सब जने रोज़े होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी है। आशुरा की नमाज भी ज़रूर 10वीं तारीख को पढ़ेंगे, रोज़े रहेंगे। क्या क्या है बताए, मैं रोट बना रही। देखिए घी कितना कितना डालना बता। घी, ये रवा, मैं ये रवा, ये मैदा, खोपरा, बादाम, काजू, कस्टर्ड पाउडर, मैं क्या क्या डालना बताती, कितना कितना रवा डालना अपने हिसाब से मैं बना के बताती। मैदा, मैदा, रवा, एक एक कटोरी बता रही आप लोगों को, और कस्टर्ड पाउडर, मैंगो का भी लियो और नॉर्मल कस्टर्ड पाउडर भी मिलता है, मैंगो का भी मिलता है, अपने को जैसा पसंद के हिसाब से ले सकते। मैं ये मैंगो का ली कस्टर्ड पाउडर। पाव कटोरी, इसके बाद खोपरा, खोपरा, खोपरा थोड़ा सा पाव छटाक समझो, ज्यादा नहीं डाली थोड़ा। उसके बाद मिल्क पाउडर, उसके बाद खोवा, खोवे को थोड़ा सा मैं शक्कर रख के, खट्टा हो जाता खोवा बोल के, क्या करी थोड़ी सी शक्कर मिला के रखी, खट्टा नहीं होना बोल के। अब शक्कर कितनी डालना वो हिसाब से मैं बताती आपको। थोड़े से बादाम, उसके बाद थोड़े से काजू, ऊपर भी डेकोरेशन को भी लगा ले सकते हैं, और क्या बोले तो शक्कर। मैं रात को ये शक्कर क्या करी, भींगने डाल के रखी, थोड़ा सा पानी डाल के, क्यों पाव प्याली पानी डाल लेके आधा किलो शक्कर भींगने डाल के रखी। ये तो अब मैं ये शरबत को भी काम आता, ये रोट को भी काम आता। अब जितनी जायके के हिसाब से अपन मीठा कितना है, मैं ये प्याली प्याली भर ली सो शक्कर भी है, ऐसा फुल ले लिए भी गैस। उसके बाद घी, घी 2-3 चमचे, उसके बाद इलायची डाल देना पीसे से इलायची, उसके बाद बेकिंग पाउडर, सोडा, ये दो ये डाल देना कर। एक प्याली है फुल, उसके पानी में थोड़ा डाल के भिगने वाली, और भिगाते गए तो मालूम आता पतले हो गए तो फिर परेशानी होती अपने को। इतना दूध डालने का मैं बताती हूँ मिलाई से। देखो अच्छा सब मिल गया पूरा, मैं जो जो बताई आप लोग को पूरा सा, शक्कर भी बराबर हो गई और पूरा मैं खोआ भी डाल दी, अपन कस्टर्ड पाउडर भी डाल दी, पूरा होगा इसको भीग ज़रा ये सब बना दे के इसको ज़रा सा अच्छा सा सा रख देना, थोड़ा सा अच्छा भीग गए वैसे जैसा, बहुत अच्छे होते। मैं फिर बनाते से टाइम आपको मैं बताती हूँ आपको। देखो मैं आटे को क्या करी, थोड़ा सा 3-4 चमचे 5-6 चमचे पाव कटोरी समझो दूध लेके इसको अच्छा सा भिगा के, पूरा मैं भिगाई से बताई थी, फिर दूध डाल के ज़रा अच्छा सा और नरम करके रख दी देना, सब पेड़ा बनाना। उसके बाद ड्राई फ्रूट डाल लेना, इसके ऊपर ऐसा रखना, इसको ऐसा दबाना, नहीं जाए
हिसाब से, बड़े छोटे मोटे, मैं इसको ऐसा कट कर देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पूरा मैं इसे बनाती फिर और एक बना के बताती। कर लेना पूरा, मैं एक एक कटोरी रवा, एक कटोरी मैदा, खोवा, पूरा जितना डालना है बताइए, मैं फिर ओवन में रखते से बताती है। ऐसा रख देना, पन्नी पे रख के मैं निकाल रही, जल्दी जल्दी होता है ना तो फिर बाद में क्या करना। ऐसा दबा इसको क्या करना है, ऐसा कटोरी से कटिंग वाला भी रहता अपने पास, हमारे पास ऐसा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए और एक, अब ऐसे पूरे में ऐसे और एक बनाए तो अच्छा सा आटा, देखो पूरा अच्छा सा, मैं 3-4 घंटे भिगा के रखी इसको, पूरा ऐसा कर बादाम काजू ऐसा करके हरी पूरा ऐसी बना लेना। बना के ना वो ओवन में रख के से बताती हूँ, बस ज़्यादा पतले भी रखो, ज़्यादा मोटे भी रखो, अच्छा अपन दूध में डाल के भिगा के खाओ, थाली भी खाओ, बहुत अच्छा है। देखिए अब मैं ओवन में रख बता दी आपको, अब मैं इसको पूरा बना दी, कटिंग करे से बताई, अब इसको रख रही कितने मिनट बोले तो 20 मिनट 180 डिग्री। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमें ये डिग्री बता, ये बन गए, हमें बन गए, ज्यादा सा लाल भी बने नहीं, अच्छे हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, बन गए। और वो से के बाद से वो भी निकाल देके पूरे एक तरीके से बनेंगे इंशाल्लाह जरूर। यूट्यूब माई चैनल हैदराबादी रेसिपी बाई फरहत, आज मुहर्रम के फातिहा हो गए, आज शुरुआत नमाज भी हो गई इंशाल्लाह, इफ्तार की तैयारी भी होंगी इंशाल्लाह। पहले तो फातिहा हो गए, इफ्तारी की मैं रोज़ा खोलने की भी तैयारी रख ली, ये शक्कर का शरबत, ये दूध का शरबत, दूध का शरबत, ये बोलते हैं सो मिर्चों का सालन, मिर्चों का सालन, ये रोट ऐसा बनाई, देखिए मैं डिटेल पूरा बताई आप लोग को, बहुत मुलायम रहते और मैं जैसा जैसा पूरा बनाई मैं पूरा डिटेल बताई मैं आप लोग को। ये बोलते हैं सो खुबली, खुबली बनाई है, ये सवालिया मने, ये बुट्टी, देखिए बुट्टी बहुत अच्छी, अपन कच्ची अदरक ज़रा छिल लेके कच्ची अदरक पेस्ट बना के ये डालना, दही अच्छा डालना, देखिए हरी मिर्ची कलर अच्छी, कितनी सफ़ेद कलर है देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, मिर्ची भी अच्छे खार कर के टाइप में बनाई, ठीक है। दुआ की गुजारिश, सब्सक्राइबर ज़रूर करिए और इंशाल्लाह आप लोगों के सबके लिए जितने भी
भाइयों बहनों बच्चे सबके लड़कों के लिए सबके लिए दुआ करूंगी रोजा खोले वास्ते। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। दुआ की गुजारी, सब्सक्राइब जरूर करिए।